देखिए भाई, देख सकते हो ये रोटावेटर चल रहा है हमारा इधर, और रोटावेटर हमारा जो है मिशो 7 फीट का है। और रोटावेटर तो भाई आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारा ट्रैक्टर जो स्वराज 855 है भाई, उससे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा खेत है उसमें हमने जो है ये जो खापे होते हैं गेहूँ के, जो तुड़ी वगैरह जो भी बोलते हैं इनको, ये खापे जो हमने जलाए नहीं है। आप देख सकते हो ये खापे जो हैं ऐसे कैसे खड़े हैं, और ना ही इनको खेत को हमने कल्टीवेशन या कल्टीवेटर किया या कुछ भी जुताई अभी तक इसमें नहीं करी है, और हम डायरेक्ट जो है इस पर रोटावेटर चला रहे हैं। ठीक है भाई, ये रोटावेटर अपना जो मेशियो का 7 फुट का रोटावेटर है, और वहीं बात की जाए तो ट्रैक्टर अपना स्वराज 855। ठीक है भाई, और गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ जो हमने क्या किया था कि हार्वेस्टर से कटिंग करवाई थी, उसके बाद जो है तुड़ी मतलब सुखला बनवाया था इससे, और उसके बाद हम जो है डायरेक्ट रोटावेटर चला रहे हैं। तो इससे क्या होगा भैया कि मतलब जो खाद वगैरह बन जाएगी, जो गेहूँ के खापे वगैरह जो बच गए हमारे इधर, उनको खापे बोलते हैं गेहूँ के, तो ये जो बच गए इनसे अच्छी तरह से खाद बन जाएगी। और बाकी अगर देखा जाए तो अभी खापे आपको दिखा दूँ एक बार पहले इधर में, ये देखिए खापे कुछ इस प्रकार से हैं, हार्वेस्टर के कटे हुए थे गेहूँ हमारे, उसके बाद रोटावेटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो भैया ये रिजल्ट जो हमको मिल रहा है इसमें अगर देखा जाए तो सोयाबीन बुवाई में 1% भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे खापे जो अच्छी तरह से बारीक हो गए हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो सोयाबीन, इसके बाद सोयाबीन की बुवाई होगी गर्मी के बाद, तो सोयाबीन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी भैया, और दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ ही जो है ये गेहूँ के खापे जो हमने जिसमें रोटावेटर कर दिया, इसमें क्या होगा कि ये खाद बन जाएगी और हमारे उधर अगली फसल में काफ़ी तरह से काम देगी। ठीक है भैया, इतना पूरा खेत हमने रोटावेटर कर दिया है, बाकी रोटावेटर एक बार हमारा देख लीजिए आप, ये रोटावेटर है हमारा और ये गेहूँ के खापे उधर देख लीजिए, इस प्रकार से काम हो रहा है। और ठीक है भैया, देख सकते हो ये रोटावेटर चल रहा है हमारा इधर, और रोटावेटर हमारा जो है मिशो 7 फीट का है, और रोटावेटर को हम जो है मल्टी स्पीड पीटियो के दूसरे गियर में चला रहे हैं। ठीक है भैया, मल्टी स्पीड पीटियो के दूसरे गियर में चला रहे हैं, और लोग के दूसरे में हमारा रोटावेटर चल रहा है, मतलब रोटावेटर जो हमारा मल्टी स्पीड पीटियो में चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो खापे के गेहूँ के हैं वो ज़्यादा बारीक हो रहे हैं। ठीक है भैया, तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से लोग के दूसरे गियर में ट्रैक्टर हमारा चल रहा है। और बाकी अगर आपको दिखाए काम जैसा हो रहा है तो देखो ये जो खापे गेहूँ के कुछ इस प्रकार से बारीक हो रहे हैं, और उससे पहले आपको उधर देख लीजिए कि कैसे थे और इस प्रकार से बारीक हो रहे हैं।